नदीम रजा का सलाम, बात है जॉर्डन की, जहां बगावत नाकाम बना दी गई है। और ये बगावत जो है उनके पड़ोसी मुल्कों की तरफ से नहीं है और ना ही मुसलमानों का जो दुश्मन सबसे बड़ा तसव्वुर किया जाता है इसराइल, उसकी तरफ से नहीं है। ये जो हमेशा की तरह हुई है, जो साजिशें हमेशा महलात में ही तामीर की जाती हैं, महलात में ही साजिशें बनाई जाती हैं। और ये साजिश भी उनके ख़िलाफ़ उनके अपने सौतेले भाई हमजा बिन हुसैन की जानिब से हुई है और उसको नाकाम बना दिया गया, उन्हें और उनके दर्जन भर साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अरब ममालिक में कोई नई चीज़ नहीं, इससे पहले भी हो चुकी हैं। और अब जॉर्डन में क्या होगा और अरब ममालिक में किस किस तरह से ये साजिशें हुई हैं, इस बारे में आपको बताना है। तो फिर वो बात पहले इसी जॉर्डन की बात कर लेते हैं कि जॉर्डन में किस तरह से ये किंग अब्दुल्ला दोम के ख़िलाफ़ साजिश तैयार की गई है। अच्छा, उसके लिए जानना ज़रूरी है जो हमजा बिन हुसैन जिन्होंने साजिश की है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये कौन है हमजा बिन हुसैन? अच्छा, हमजा बिन हुसैन उनके सौतेले भाई हैं। इनके वालिद ने, किंग हुसैन ने, चार शादियां की थी। अच्छा, चार शादियां की थी। और ये किंग हुसैन जो थे ये 1952 से लेके 1999 तक इकतदार पे रहे और 1999 के बाद इकतदार का जो हुमा है वो किंग अब्दुल्ला दोम के सर पे सजा। और ये हमजा बिन हुसैन जो इनकी वालदा इंतहाई चारों बेगमात में से इंतहाई खूबसूरत थी वो, और ये उनके फर्जंद हैं। इनको भी किंग अब्दुल्ला ने जब उनकी शाह हुसैन के बाद इंतकाल के बाद किंग अब्दुल्ला दोम के हाथ में इख्तदार आया तो उन्होंने इन्हें वली अहद बना दिया और 2004 में इनसे वो अहदा वापस लिया कि ये बोझ आप उठा नहीं सकेंगे, इसलिए आप आज़ादी से दिगर काम करें। लेकिन हमजा बिन हुसैन वो भी कोई बच्चे नहीं थे, वो अंदर ही अंदर घुलते रहे और अपना नेटवर्क बनाते रहे। और जैसा कि आपके इल्म में जैसे अरब स्प्रिंग आई थी वो भी सिर्फ सूरतहाल चली, जिसने कई ममालिक को या इनके खशो खाशाक की तरह उड़ा दिया, उनके इख्तदार ख़त्म कर दिया गया, तब्दीलियाँ आईं, इस्लाहात हुई। यही सब कुछ यहाँ पर जॉर्डन में भी होता रहा। ये हमजा बिन हुसैन अपनी तैयारियों में लगे रहे तो अब उनका मौका लगा था कि वो टॉपल करने जा रहे थे कि इनके इदारों ने, जो इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने उसे नाकाम बना दिया। अच्छा, इनके बारे में जो किंग अब्दुल्ला दोम जो है इनके बारे में ये भी होता है कि इसराइल के बहुत ज़्यादा करीबी हलीफ हैं ये, और जो माजी में जो जंगें भी हुई थी इसमें इनका बड़ा किरदार रहा है कि जब इसराइल के साथ जंग होने जा रही थी अरब ममालिक की तो कहा जाता है कि वो यही थे, ये शाह हुसैन जिन्होंने, इनके वालिद मोहतरम के अब्दुल्ला दोम के, उन्होंने वो ऑडियो लीक कर दी थी कि इसराइल पर अटैक होने जा रहा है। उसकी वजह से गालिबा 1967 था तो उसके बाद फिर वो इसराइल में 6 रोज़ में जंग जीत गया और वो हो गया। तो ये कंसिडर किया जाते हैं, कोई बईद नहीं, यही कहा जा रहा है कि इसराइल ही ने इनको, अब्दुल्ला दोम को इस बारे में आगाह किया कि ये आपके खिलाफ़ बगावत हो रही है और बगावत करने वाला कोई और नहीं, आपके सौतेले भाई हैं। तो इनको वहीं महल में क़ैद कर लिया गया। इनके दीगर जो साथी, इनके करीब तरीन जो साथी तसव्वुर किए जाते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये बगावत को वक्ती तौर पर कुचल दिया गया है। और ये देखें, ये जॉर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी नहीं, तकरीबन 1 करोड़ के लगभग इनकी आबादी है और उसमें भी वही कहा जाता है आवाम के हकूक़ हैं वो उस तरह से नहीं दिए गए, आज़ादी है नहीं, वन मैन शो है, जो भी है किंग अब्दुल्ला दोम करते हैं उन्हीं की पॉलिसियाँ चलती हैं, किसी और को उससे मुदाखलत का हक़ नहीं है। अभी हमजा बिन हुसैन ने कोशिश की थी कि जो नाकाम बना दी गई। अच्छा, बात यह है कि अरब ममालिक में कोई ये नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी कई महलों में साजिशें हो चुकी हैं। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है, वहाँ पे भी महलों के अंदर कत्ल हो चुका है। और क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो तख्त होता है ये कभी किसी का नहीं हुआ है, तख्त के लिए बहन भाई माँ बाप सबको कत्ल कर दिया जाता है। तो इसकी मिसालें कई पॉलिटिकल पार्टीज में भी आती हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा कि पाकिस्तान में भी वो इस तरह के चीज़ें हो चुकी हैं, इख्तदार के लिए किस किस को किसने कत्ल किया है और ये सीढ़ियाँ बना के इख्तदार पर आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था सऊदी अरब की कि वहाँ भी हुआ है कि जैसे मोहम्मद बिन सुल्तान अल मारूफ़ MBS ने जब से इख्तदार संभाला है उसके बाद कई खानवादों को, जो शहजादे हैं उन्हें मगरिब से भी ला के क़ैद किया गया और उनको बंद कर दिया गया। और बज़ाहिर तो ये कहा गया कि करप्शन के नाम पे उनको उठाया गया और उन्होंने जो करप्शन की थी पैसा निकलवा के ख़जाने में वापस जमा कराया गया। लेकिन करीने कयास वो यही है
कि वहाँ पर भी साजिशें तैयार हो रही थी, क्योंकि इख्तदार में कहते हैं दूसरों का हक था, यह आ गया तो इसलिए चीज़ों को छुपाया गया। अच्छा, फिर वहाँ पर इस्लाहात का अमल भी तेज़ी से शुरू हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव तस्वर किया जाता था सऊदी अरब के माशरे को, लेकिन वहाँ पर किसी को हकूक नहीं थे, अब सबको हकूक दिए गए। अच्छा, हकूक जो दिए गए उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो अरब स्प्रिंग का है, जो 2010 में ट्यूनिस से शुरू होती है, उसके बाद एक से एक मुल्क दूसरा मुल्क इजिप्ट आ गया, लीबिया आ गया, और बहरीन में भी फिर असलाहत उनको करनी पड़ गई। फिर सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी असलाहत जो की गई हैं वो सऊदी अरब में की गई हैं, जहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग का हक हासिल नहीं था, ख़वातीन महरम के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी। आज वहाँ पर सब कुछ ऑन कर दिया गया है उनके लिए, क्योंकि पहले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ थी, जो हकूक़ की बात करती थी उनको कैदो बंद की सोबतों का सामना करना पड़ता था कई से, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह जो बाड़े इंतजामिया आई है उन्होंने भी सऊदी अरब के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है और यही कहा है कि इनको बेहतर बनाया जाए। इसी बुनियाद पर उन्होंने जो इंसानी हकूक़ की कारकुन कैद थी सालों से उनको रिहा कर दिया गया, और जो ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तहरीक चलाती थी उनको बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ख़वातीन को लाइसेंस भी दिया जा रहा है, वहाँ बार भी खुल गए, सिनेमा हॉल भी खुल गए, ख़वातीन फुटबॉल भी खेल सकती हैं और नौकरियां भी कर सकती हैं और ट्रैवल भी अलग अकेली वो कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, बादशाह सिर्फ मुसलमान ममालिक में अरब में बादशाह रह गए, मगरब में भी बादशाह एक भी इक्का दुक्का ममालिक में है, लेकिन वहाँ सेरिमोनियल होती है, वो सिर्फ उनको एक उनका मुकाम है, उनका एहतराम बजा होता है, लेकिन वो अमूर ममलिकत में उस तरह से मुदाखलत नहीं करती हैं। वहाँ बाकायदा इंतखाबात होते हैं, हुकूमतें बनती हैं, वज़ीर आज़म आते हैं और वो अपनी पॉलिसियाँ ख़ुद बनाते हैं। हाँ, सिर्फ जो क्वींस होती हैं या बादशाह होते हैं वो उसकी तौसीक करते हैं और उनको वो करनी पड़ती है। अरब ममालिक की तरह नहीं है कि इख्तदार पर जो कब्ज़ा हो गया, जो एक दफ़ा बन गया वो उसका फिर वो इंतकाल के बाद ही इख्तदार से भी इंतकाल होता है और दुनिया से इंतकाल होता है, उससे पहले मुमकिन ही नहीं होता। हाँ, फिर वही होता है कि बगावत हो जाए, अगर कश तो खून हो तो उसी सूरत में वो इख्तदार छोड़ते हैं। हमारे सामने मिसाल इनके अब्दुल्ला दोयम के वालिद ही किए, 52 से लेके 99 तक रहे। इसी तरह मोहम्मद कज़ाफ़ी की भी ले लें, मोर देन 40 ईयर, सद्दाम हुसैन की भी ले लें, शाह हुसैन की भी ले लें, तो इन सब के इख्तदार में आते हैं उसके बाद खुद नहीं जाते, आते अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, जब रज़ाए इलाही से ऊपर कूच कर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, उसी वक्त इख्तदार का भी इंतकाल होता है, दूसरे के सुपुर्द होता है, वो भी बेटे ही का होता है जो इंतहाई करीब होता है। तो ये सारी यानी कि सूरत हाल है। वो कहते हैं इख्तदार किसी का नहीं हुआ, मैं बात करता इसी तरह के बहन भाई माँ बाप किसी को नहीं देखते। पाकिस्तान में भी आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वहाँ पे भी यही है कि भाइयों में एक दूसरे को, जैसे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो अपने भाई को शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, तो वो यही चीज़ है। अभी जिस तरह से मरियम नवाज एक्टिव हैं तो वो शहबाज शरीफ एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये इख्तदार का जो हुमा है बड़ा बेरहम होता है, ये किसी को नहीं देखता, ये सिर्फ इख्तदार देखता है। ये जो ताकत का जो नशा है वो इंसान को अपने खून से भी जुदा कर देता है, अपना खून जो बहाने के लिए भी उसको आमादा कर देता है। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन वो कब तक आखिर रहता है, एक दिन तो दुनिया से जाना होता है, फिर इख्तदार की मुंतकली इनविटेबल हो जाया करती है, कि वो किसी के हाथ में नहीं रहता। तो बेहतर यही है कि दुनिया बदल रही है, जहाँ जहाँ इख्तदार में लोगों का कब्ज़ा है वहाँ आवाम उठ रहे हैं, हकूक़ नहीं मिलते वो निकलते हैं सड़कों के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी मिसाल एक यमन में है जो हूसियों की, वो अभी तक लड़ रहे हैं क्योंकि वह गरीब हैं, वो लड़ रहे हैं। बाकी अरब ममालिक में आसाइशें इतनी दे दी गई हैं, उनको इतना मगन कर दिया गया है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जैसे अरब स्प्रिंग 2010 में चली थी, वो मुस्तकबिल करीब में वो फिर एक दफ़ा दिखाई दे रही है, हो सकता है वो जॉर्डन या सऊदी अरब से ही शुरू हो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।